A sum ऑफ finite नंबर ऑफ़ monomials is called a polynomial. Each monomial is called a term ऑफ the polynomial. हमारे पास जो फाइनाइट नंबर में मोनोमेल्स होते हैं वो उन्हें हम पोलिनोमियल कहते हैं जबकि हमारे पास मोनोमियल क्या होते हैं अ इज़ अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट और अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सटेंट एंड वन और मोर वेरिएबल विदा वेरिएबल्स हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर इन एक्सपोनेंट्स हमारे पास जो के मोनोमेल्स ऐसे होते हैं जैसे कि लिखा हुआ है थ्री एक्स केयर एंड वाई इसकी जो पावर है वो नेगेटिव ना हो नॉन नेगेटिव इंटीजर में ये मोनोमेल है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स हो सकता है एक वेरिएबल हो सकता है थ्री एक्स ये भी एक मोनोमेल है देन टू एक्स वाई एंड जी ये भी हमारे पास मोनोमिल है हमारे पास हमारे ये भी कह सकते हैं ये भी मोनोमिल है माइनस टू एक्स एंड वाई ये भी हमारे पास मोनोमिल है यहाँ टेंट है उसके साथ माइनस आ सकता है लेकिन एक्सपोनेंट में साइन नेगेटिव नहीं आ सकता सो तो जिन पर एक्सपोनेंट में नेगेटिव नहीं आता अगर उन सारे का सम कर लिया जाए तो वो हमारे पास पोलिनोमिल्स होते हैं ना हाँ, हमारे पास एक एग्जाम्पल है थ्री एक्स स्केयर वाई माइनस फाइव एक्स वाई एंड माइनस सेवन एक्स वाई क्यूब आर मोनोमेल्स ये हमारे पास मोनोमेल्स हैं जो कांस्टेंट है उसके साथ तो माइनस आ सकता है लेकिन पावर में कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा जबकि मोनोमेल में भी यही कहा गया था कि हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर इन एक्सपोनेंट्स सो हमारे पास ये एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है फोर वाई रेस टू माइनस थ्री एंड थ्री ओवर वाई जबकि थ्री ओवर वाई का मतलब है थ्री वाई रेस टू माइनस वन ये भी हमारे पास मोनोमेल्स नहीं है ये सिर्फ एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है सो so, हमारे पास डिग्री ऑफ मोनोमियल अगर हम काउंट करें हमारे पास हम काउंट कर सकते हैं हमारे पास जो ये दिया होता है इसको प्लस करते हैं थ्री एंड वाई की क्या है प्लस वन सो फर्स्ट वाली टर्म की डिग्री क्या हुई थ्री एंड इसकी क्या हुई है थ्री प्लस थ्री प्लस वन इज़ फोर एंड इसकी क्या हो जाएगी थ्री एंड वन इज़ थ्री हमारे पास ये है मोनोमेल्स की डिग्री हैं इनको हम इस तरह से काउंट करते हैं टू प्लस वन एंड थ्री प्लस सो हमारे पास सबसे बड़ी डिग्री क्या हुई है सेवन एक्स क्यूब एंड वाई की ये हमारे पास हिटर है इनमें से सो ये था हमारे पास पोलिनोमेल अब हम इसका पास्ट पेपर देखते हैं ये हमारे पास पोलिनोम्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल टू टू थर्टी फाइव एंड वाई इज इक्ल टू वन सेवनटीन देन एक्स स्केर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई सबसे पहले मैं आपको कुछ थ्री बेसिक फार्मूलाज हैं जो हम बार बार देखेंगे कि यूज़ किए गए हैं उनको हम देखते हैं हमारे पास जो नंबर वन है इसको हम कहते हैं कि जो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ये किस तरह से आया है हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड देन एक्स माइनस वाई इसको हम कहते हैं अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्यर देन माइनस वाई स्केयर सेकेंड वाला जो हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको हम कहते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्केयर इज इक्वल टू अगर हम इसको ओपन करें तो ये बनता है एक्स स्केयर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्केयर देन हमारे पास थर्ड फार्मूला है एक्स माइनस वाई होल स्केयर इज इक्ल टू एक्स स्केयर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्केयर सो so, ये तीन फार्मूला आपको हमेशा याद रहने चाहिए कोई भी पोलिनोम फाइंड करने के लिए इक्वेशन सो अलजब्रा में एक्स स्कीयर माइनस वाई स्कीयर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आप जो ये है एक्स प्लस वाई का होल स्कीयर इसको अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं मल्टीप्लाई किस तरह से करवाते हैं वो तो आप यहाँ पर देखिए अगर आपको फार्मूला भूल गया है तो आप कह सकती हैं x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई इसका मतलब है कि ये टू टाइम्स लिखा जाएगा देन हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हमारे पास x पहले इन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा देन y भी इसके साथ होगा x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स किया प्लस देन x को y के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स वाई देन प्लस इस y को x के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स वाई प्लस देन वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया वाई स्केयर देन हमारे पास ये क्या हो जाएगा एक्स केयर एक्स वाई एंड एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई एंड देन प्लस वाई स्केयर तो इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं आप किसी भी फार्मूला को इस तरह से ओपन करके अगर आपको याद नहीं है तो आप ये बना सकते हैं इजीली इसको भी आप इस तरह से ही सॉल्व करेंगे एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई So, ये थे हमारे पास बेसिक फार्मूला सो so, हम अब इसी क्वेश्चन uh, को सोल्व करते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन है एक्स स्यर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई जबकि एक्स की वैल्यू भी दी गई है एंड देन वाई की वैल्यू भी दी गई है सबसे पहले जो आपको एक अलजबलिक एक्सप्रेशन दिया गया हो उसको आप ओपन करें हमारे पास है एक्स स्यर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई जबकि अगर इसको ओपन करें तो ये बनता है x माइनस वाई एंड देन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई हमारे पास है x माइनस वाई अगर हम इसमें ही ये वैल्यू पुट करें तो आंसर बहुत लंबा चला जाएगा अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो वो सोल्व करना इम्पोसिबल हो जाएगा हो तो जाएगा लेकिन मुश्किल है लेकिन आप क्या करें इस सल जबरी एक्सप्रेशन को अगर आप ओपन कर लें x माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स वाई माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा अगर मल्टीप्ली मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम कैंसिल कर सकते हैं अगर यहाँ पर माइनस या प्लस लगा हुआ होता तो हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते देन हम इसको कैंसिल कर दिया हमारे पास सिंपल रह जाएगा x प्लस वाई देन हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यूज दी गई हैं x हमारे पास है टू थर्टी फाइव देन प्लस वाई हमारे पास है वन वन सेवन इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा थ्री फाइव टू हमें इन्होंने x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था तो ये है थ्री फिफ्टी टू डी इज़ द राइट ऑप्शन देन हमारे पास है इफ़ एक्स केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू सिक्सटीन एंड एक्स स्यर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू थर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई सिंपल इसको भी हम उसी फार्मूला से सोल्व करते हैं हम इस इक्वेशन को सब्सटीट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड हमने पढ़ा था सो so हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू सिक्सटीन इक्वेशन नंबर वन है देन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू थर्टी फोर इक्वेशन नंबर टू है हमारे पास हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास माइनस वाई स्केयर एंड प्लस वाई स्केयर अगर हम इनको ऐड करें प्लस करें तो हमारे पास ये कैंसिल हो रहे हैं हम कर सकते हैं टू एक्स स्केयर इज इक्वल टू थर्टी फोर प्लस सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस थर्टी फोर इज़ फिफ्टी देन एक्स स्क्र इज इक्वल टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई टू हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी फाइव देन एक्स स्क्र इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हमें यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था सो so, हम क्या करेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू इस साइड के रूट लेंगे हमारे पास ये आ जाएगा प्लस माइनस फाइव प्लस माइनस फाइव आ जाएगा अब हम क्या करते हैं एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा सॉरी uh, हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करें तो हम कहते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में एक्स स्केयर की वैल्यू पुट कर दें हम कहते हैं हमारे पास है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस वाई की स्केयर की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इज थर्टी फोर देन वाई स्केयर इज इक्वल टू थर्टी फोर माइनस ट्वेंटी फाइव वाई स्केयर इज इक्वल टू नाइन देन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री इसका भी हमने स्केयर रूट ले लिया इसका भी स्केयर रूट ले लिया प्लस माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस फाइव ये था हमारे पास क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये थी देन ये हमने टू एक्स स्क्ज इक्वल टू फिफ्टी ओवर टू किया ट्वेंटी फाइव आ गया एक्स स्क्ल ट्वेंटी फाइव हम दोनों का स्केयर रूट लेंगे प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव आ जाएगा स्केयर रूट लेने के बाद हमारे पास प्लस माइनस में आंसर आता है प्लस माइनस फाइव हमारे पास देन है ट्वेंटी फाइव हम हमने कहा एक्स स्केर की वैल्यू आगे हम वाई स्केयर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ट्वेंटी फाइव प्लस वाई स्केयर इज थर्टी फोर वाई स्केयर इज इक्वल टू तो थर्टी फोर माइनस ट्वेंटी फाइव वाई इज इक्वल टू तो प्लस माइनस थ्री अब उन्होंने हमें कहा था x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है हम क्या करेंगे x एंड y हमारे पास x ये है y ये है पहले हम नेगेटिव नेगेटिव पुट करते हैं x हमारे पास नेगेटिव माइनस फाइव भी है देन नेगेटिव हमारे पास माइनस थ्री भी है ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे सो इट इज़ फिफ्टीन देन एक्स वाई अगर हम पॉजिटिव करें फाइव पॉजिटिव थ्री तो ये भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा फिफ्टीन देन हम कहते हैं कि हम एक एक्स पॉजिटिव uh, ले लेते हैं और वाई नेगेटिव ले, ले लेते हैं माइनस थ्री तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा माइनस फिफ्टीन तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पॉसिबलिट पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो फिफ्टीन है और माइनस फ़िफ्टीन है अब हम ऑप्शंस में जाके देखते हैं जबकि उन्होंने कहा गया था कि फ़िफ्टीन हो सकती है माइनस फिफ्टीन या फोर्टी फाइव तो हम कहते हैं वन एंड टू आर ओनली पॉसिबल सो सी इज़ द राइट ऑप्शन वन एंड ओनली टू फोर्टी फाइव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती फिफ्टीन हो सकती थी देन फिर फिफ्टीन देन माइनस फ़िफ्टीन सो फिफ्टीन एंड माइनस फ़िफ्टीन को आप ले सकते हैं हम इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया था आप देख सकते हैं देन हमने एक्स एंड वाई को किस तरह से सोल्व किया रूट के बाद आंसर प्लस माइनस में आता है यहाँ पर भी प्लस माइनस में आया था देन हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया एक्स एंड वाई को तो फिफ्टीन या फिर माइनस फिफ्टीन वन एंड टू आर करेक्ट आंसर कहते हैं द एवरेज ऑफ द पोलिनोमियल्स ये हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं इनकी एवरेज क्या है जबकि हम एवरेज का टॉपिक पढ़ पढ़ चुके हैं ऑफ द ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी टर्म्स हैं वन टू एंड ये थ्री इन तीनों को आप प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय थ्री तो हमारे पास ये एवरेज आ जाएगी देन हम कहते हैं वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्केर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर एक्स इज एट फिफ्टी फोर यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी देन हमारे पास है, इफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज नाइन एंड एक्स माइनस वाई होल स्केयर इज थ्री वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हम इस पर भी वही फार्मूला अप्लाई करते हैं जबकि हमें दिया गया है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज नाइन इक्वेशन वन है देन हम कहते हैं एक्स माइनस वाई होल स्केयर इज थ्री है हम यहाँ पर क्या कहते हैं हम इसको अगर ओपन करें एक्स इक्वेशन नंबर टू को तो हम कहते हैं एक्स केयर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इस थ्री है, है। मैंने इसको ओपन किया तो हमारे पास एक्स केयर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इस थ्री बनता है जबकि हमें एक्स स्यर प्लस वाई स्केयर नाइन दिया गया है सो so हम कहते हैं एक्स केयर प्लस वाई स्केयर हमारे पास ये नाइन है गिवन है तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू क्यों ना पुट कर लें देन हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में नाइन इसकी जगह माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री देन हम कहते हैं माइनस टू एक्स वाई इज नाइन थ्री माइनस नाइन माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री माइनस नाइन इज माइनस सिक्स माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा टू एक्स वाई इज सिक्स देन एक्स वाई इज सिक्स ओवर टू इज थ्री एक्स वाई हमारे पास थ्री है जबकि इक्वेशन में पूछा गया था कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करें सो आंसर इज डी हमारे पास इसका सोलूशन क्या आया है थ्री एक्स वाई इज थ्री हमने यहाँ पर क्या किया इस इक्वेशन को ओपन किया था एक्स माइनस वाई स्केयर एक्स स्केयर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज थ्री देन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर हमारे पास ये गिवन था मैंने इस और इसकी जगह नाइन पुट कर दिया माइनस टू एक्स वाई इज थ्री माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा वो कैसे थ्री माइनस नाइन किया माइनस सिक्स आ गया था माइनस माइनस से कैंसिल टू एक्स वाई सिक्स देन एक्स वाई इज इक्वल टू सिक्स ओवर टू इज थ्री सो एक्स वाई हमारे पास डीज़ द राइट ऑप्शन देन वैल्यू ऑफ द फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इसकी वैल्यू फाइंड करें आप क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा देन हमारे पास है क्वेश्चन इफ़ वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर वाई इज इक्वल टू वन ओवर जी एंड जी एक्स वाई एंड एक्स वाई इज इक्वल टू जी इज़ द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई हमारे पास ये गिवन था वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर वाई इज इक्वल टू वन ओवर जी और हमें वैल्यू फाइंड और हमारे पास गिवन क्या है एक्स वाई इज़ इक्ल टू जी और हमने इनकी एवरेज फाइंड करनी है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई एक्स और वाई की हमने एवरेज फाइंड करनी है सो so हम देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले, ले लेते हैं वाई प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई इज़ ईक्ल टू हमारे पास वन ओवर जी है हम कहते हैं हमारे पास एक्स वाई जी दिया गया एक्स वाई दिया गया है जी हम नीचे जी पुट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई यहाँ पे वाई प्लस एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है हम कहते हैं ये हमें जी दिया गया है इज़ इक्ल टू जी और हमारे पास इज़ इक्ल टू बी वन ओवर जी है ये इज़ इक्वल टू हैं जी जी से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन अब हमने एक्स और वाई की एवरेज चाहिए एवरेज के लिए हम इधर भी डिवाइडेड बाय टू कर देंगे ये हमारे पास टोटल नंबर्स टू थे इधर भी हम टू कर देंगे देन हमारे पास एक्स प्लस वाई ओवर टू इज इक्वल टू वन ओवर टू देन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इज इक्वल टू फोर्टी एट एंड पी माइनस क्यू इज ट्वेल्व वट इज द एवरेज ऑफ पी एंड क्यू सो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हमारे पास है हम इसको फिर ओपन करेंगे हम कहते हैं पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इज इक्वल टू फोर्टी एट है हम इसको बर, अगर ओपन करें तो पी माइनस क्यू एंड पी प्लस क्यू इसका जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था इज इक्वल टू हम कहते हैं फोर्टी एट है हमारे पास जबकि पी माइनस क्यू गिवन है हम कहते हैं इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन पर डिवाइड किया जाए हम कहते हैं बाई इक्वेशन नंबर टू बाई इक्वेशन वन पी माइनस क्यू इधर डिवाइड हो गया इधर हमारे पास ये ट्वेल्व डिवाइड हो गया p माइनस क्यू पी माइनस क्यू से कैंसिल हो गया देन p हमारे पास p माइनस क्यू पी माइनस क्यू से डिवाइड हो गया ये कैंसिल हो गया p प्लस क्यू इज इक्वल टू फोर्टी एट ओवर ट्वेल्व 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 फोर फोर्टी एट सो p प्लस क्यू इज़ फोर और अब हमें उन्होंने एवरेज कहा है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ p एंड q p एंड q एवरेज का मतलब है p प्लस क्यू ओवर टू इज इक्वल टू फोर ओवर टू टू वन सर टू 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 द फोर इसकी एवरेज क्या आ जाएगी टू So C is the right option.